जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AKG ट्रिक्स विद यू में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान CHO भर्ती 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में कि इस फॉर्म को कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा और कैसे एग्जाम होगा, कहाँ एग्जाम होगा, भर्ती हो जाएगी तो भर्ती किस किस जगह पर होगी। तो A to Z हर जानकारी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और यहाँ पर देखिए। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ जो पद का विवरण है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान CHO वैकेंसी 2022 नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है RSMSSB द्वारा आमंत्रित अधिसूचना के रिक्त पदों पर विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, जिसकी जांच अभ्यर्थी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुल पद दिए हैं वो 3531 दिए हुए हैं और पद का जो नाम है वो CHO पद है। आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान CHO भर्ती 2022 लास्ट डेट जो है वो ना यहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है आवेदन की तिथि, आवेदन की तिथि जो है 8 नवंबर 2022 को है और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 7 दिसंबर 2022 है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो शुल्क का भुगतान है यानी फीस आप कटवा सकते हैं उसी दिन तक, 7 दिसंबर जिस दिन तक लास्ट डेट है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है राजस्थान CHO भर्ती शुल्क विवरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल OBC और EWS अभ्यर्थी यहाँ पर उनकी फीस जो है वो 450 रुपये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SC और ST अभ्यर्थी जो है उनकी फीस 350 रुपये है। यहाँ पर फॉर्म संशोधन शुल्क ये आप देख लीजिए, यहाँ फॉर्म संशोधन शुल्क जो है वो 300 रुपये अगर आप ये फॉर्म को भरते हैं अपने आप से या कैसे भी भरते हैं, दुकान से भरवाते हैं और उसमें कुछ भी दिक्कत हो जाती है आपके नाम की या डेट ऑफ बर्थ की या किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी दिक्कत होती है, गलती हो जाती है, तो आपको उसको संशोधन करने में दोबारा सुधारने में 300 रुपये लगेंगे। तो इस फॉर्म को आप बहुत ध्यान से भरें और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 8 तारीख को, तो मैं आपको ये फॉर्म भरकर भी बताऊंगा, वीडियो बना दूंगा जिसके लिए कैसे बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को भरेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही इस फॉर्म की नोटिफिकेशन आए मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूनतम जो आयु है वो एज जो है वो 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु की गणना करें एज कैलकुलेटर के हिसाब से जो भी होगा। तो यहाँ पर आयु में सीमा में छूट की अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें, क्या नाम है, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क जो भी है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लेंगे कैसे कैसे आप कटवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के द्वारा आप कटवा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए राजस्थान CHO वैकेंसी 2022 नोटिफिकेशन जो है इसके लिए जो विवरण है, राजस्थान CHO वैकेंसी का विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। विभाग का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ उसका नाम। उसके बाद भर्ती बोर्ड देखेंगे उसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या नाम है। उसके बाद पद का नाम CHO है, कुल पद 3531 है। सैलरी आप देखेंगे, सैलरी यहाँ पर 19,900 से लेके 63,200 तक है, ये आप लेवल जो है 7 तक बढ़ेगी। उसके बाद आप लेवल देख सकते हैं, जो लेवल है वो प्रदेश स्तर तक है, राजस्थानी तक रहेगा। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया है जो ऑनलाइन रहेगी। परीक्षा मोड आप देख लें, परीक्षा मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है, और योग्यता जो होगी स्नातक पास तक होगी, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नौकरी संस्थान है जो वो राजस्थान ही रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये वेबसाइट है, वेबसाइट 8 तारीख को खुलेगी, अभी ये ब्लैंक दिखा रहा है, जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान CHO भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता देखेंगे, आप योग्यता देख सकते हैं यहाँ पर, जो नैविक जनरल ड्यूटी GD है उसमें भौतिक विज्ञान, भौतिक या गणित विषयों के साथ किसी भी संस्थान यानी या विद्यालय से 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना अनिवार्य है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें नाविक घरेलू शाखा DB के लिए आपको भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल पास आप होना अनिवार्य है। अगर आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं नाविक घरेलू शाखा DB के लिए, तो आपको हाई स्कूल पास होना जरूरी है भारत के किसी भी संस्थान में मान्यता प्राप्त हो वो, ठीक है। और यांत्रिक के लिए आप देख सकते हैं 10वीं हाई स्कूल के लिए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर आप इसके लिए भर रहे हैं, यांत्रिक के लिए भर रहे हैं हाई स्कूल के साथ साथ आपके साथ ये भी होना चाहिए यानी कि ITI में ये आपके पास पोस्ट होनी चाहिए, तो वो आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम जो दिखा रहा है CHO, CHO के लिए 3071 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं, विज्ञान में स्नातक BSc की डिग्री या नर्सिंग या GNM या BAMS की डिग्री तथा राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकृत हो, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये आपके लिए होना चाहिए, ठीक है, अगर इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, इन दोनों पोस्टों के लिए। CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी TSP क्षेत्र के लिए 460 पोस्ट हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर राजस्थान CHO सैलरी 2022 जो बता रहा है, 2022 के हिसाब से सैलरी जो है वो वेतन बेसिक पेमेंट जो होगा 19,900 से लेकर 63,200 तक होगा और पे लेवल 2 से लेकर 7 तक ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो राजस्थान CHO चयन प्रक्रिया यानी कि कैसे चयन होगा आपका, पहले देखिए लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती के लिए, ठीक है। अगर आप देखिए जैसे आवेदन करेंगे तो
आवेदन में आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कोई नया पासपोर्ट साइज फोटो हो, पुराना ज़्यादा नहीं चलेगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। हाई स्कूल की अंक तालिका यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए होगी। इंटरमीडिएट की अंक तालिका यानी इंटरमीडिएट की मार्कशीट होगी, या स्नातक डिप्लोमा की अंक तालिका, आधार कार्ड, ईमेल, वैध मोबाइल नंबर। ये देखिए, जिस भी आप क्वालिफिकेशन का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे अगर हाई स्कूल का भी है नेविक, तो अगर आप उसके लिए भर रहे हैं तो हाई स्कूल ही रखेंगे, इसके लिए आपको इंटरमीडिएट और स्नातक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्नातक का भर रहे होंगे तो आपको शायद ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, उसका डिप्लोमा चाहिए होगा। वैध मोबाइल नंबर जो रखें उस पर ओटीपी जाएगा जब आप भरेंगे। ठीक है, तो आप ये इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म मैंने जो भी आपकी बेसिक डिटेल थी मैंने आपको दे दी है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं सीधे आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेरा क्या नाम है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और जब भी ये 7 तारीख को फॉर्म खुलेगा मैं आपको ज़रूर फॉर्म भर के बताऊंगा कि कैसे इसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई भी गलती नहीं होगी, जिससे आपके 300 रुपये बच जाएंगे। धन्यवाद।